अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दीपावली का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो दीपावली का कार्यक्रम नहीं, इस जन्माष्टमी के अवसर पर जो शिवधाम मंदिर है, शिवधाम मंदिर को सजा दिया गया है, और दीपावली नहीं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव जो पालन किया जाता है, उस जन्मोत्सव का पालन के अवसर पर इस जो मंदिर को है, मंदिर को सजाया गया है। और अक्सर देखा जाता है कि अगर शिवरात्रि हो या बोलबम के समय, विशेष तौर पर सावन महीने में इस तरह का जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष तौर पर जो आयोजित होने वाला है, उसी को लेकर इस बार जो ये शिवधाम मंदिर है सजधज के तैयार है। और मधु जी है मेरे साथ उपस्थित, और उनके ही तत्वाधान में यह जो पूरा कार्यक्रम है, कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि किस तरह का क्या आयोजन रहेगा और किस तरह की तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, हर बार देखा जाता है कि जो शिवरात्रि हो या इस तरह का जो बोलबम के समय, अक्सर भीड़ हुआ करती है या इस तरह का जो आयोजन की तैयारी चलती है, लेकिन इस बार एक दूसरी दीपावली का मौका देखने को मिल रहा है, और भगवान जो श्री कृष्ण है उनके जन्म उत्सव के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, तो क्या सोच लेकर इस बार जो यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं आपने, और किस तरह का कार्यक्रम जो है, कौन कौन सा कार्यक्रम इसके दौरान आयोजित किया जाएगा? श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है 6 तारीख को, सारा हिंदुस्तान सारा संसार मनाता है। हम लोग भी सोचे, हम लोग का यह पुराना मंदिर है, आज हम लोग राशिवासिया का, इसमें हम लोग समस्त राशिवासिया परिवार एकत्रित होके अपने ये कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं, और बहुत गर्व से, बहुत मतलब उत्साह से मना रहे हम लोग इस जन्म उत्सव को। और ऊपर से हम लोग के दादाजी जो हमारे परम पूज्य बुजुर्ग है मुरारी ताऊ जी, उनका जन्मदिन भी है, वो भी हम लोग खूब उत्सव से मनाएंगे। कौन कौन सा इस दौरान जो कार्यक्रम है, चूँकि पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म, चूँकि जो मूल जो समय रहता है लगभग रात के 12 बजे के बाद हो रहता है, तो इस दौरान कौन कौन सा किस तरह का कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, इस बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में जान लेना चाहूँगा। हम लोग एक झांकी रखे हैं, नेचुरल झांकी भी है, बच्चा बच्ची कृष्ण राधा बन रहे, और झूलन का झूलन की व्यवस्था है, और सब अपने अपने लड्डू हम लोग लेके आ रहे हैं, अपने अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर ला के उत्सव मनाएंगे। और दूसरा भजन का संध्या भजन है, और तीसरा हम लोग मतलब सब परिवार एक इकट्ठा होके हम लोग एक साथ एक कृष्ण जी का जन्मदिन, जैसे हम लोग अपने परिवार के जन्मदिन मनाते हैं परिवार के सदस्य का, वैसे हम लोग कान्हा जी का इस बार सारा परिवार इकट्ठा होकर जन्मदिन मना रहे हैं। जो श्री कृष्ण के जो भक्त है या जो तिनसुकिया वासी है, उन्हें किस तरह का निमंत्रण देना चाहिए? मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप लोग सब आइए, आपका अपना शिवधाम है, मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, आप लोग सब आइए और हम लोग के साथ मिल के कृष्ण जन्म मनाइए। ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम हमने पहले देखा नहीं है, साथ पहली बार इतने धूमधाम से जो जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है, और आपके तत्वाधान में जो पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, तो मैं जान लेना चाहूँगा इस बार ऐसा क्यों आपने सोचा कि जन्माष्टमी इस बार धूमधाम से मनाया जाए, चूँकि भगवान शिव का मंदिर है, हर बार जो शिवरात्रि है इस तरह का कार्यक्रम जरूर रहता है, लेकिन इस बार आपने क्यों सोचा? हालांकि श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण की भी यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, तो क्या सोच लेकर यह जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया? इस बार हमारे ताऊ जी की विशेष इच्छा थी, मुरारी ताऊ जी की, कि कृष्ण जी का जन्मदिन खूब उत्साह से मनाए और समस्त परिवार इकट्ठा हो, उनकी इच्छा है मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होके एक साथ आके परिवार जन्मदिन मनाए। जी, धन्यवाद। और पूरा दृश्य एक बार मैं फिर से दिखा लेना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जो है पीछे का दृश्य भी दिखाएंगे और आगे भी हम लेकर जाएंगे, और देख सकते हैं मधु जी के नेतृत्व में जो यह पूरा कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और पूरा सजधज के तैयार है, जो श्री कृष्ण के जन्म के लिए, श्री कृष्ण के स्वागत के लिए, हालांकि जो तैयारी है पूरी तरह संपूर्ण नहीं हुई, अभी भी काफ़ी काम बाकी है, लेकिन जो लगातार जो यह मंदिर है, लगातार इस मंदिर को सजाने का प्रयास जारी है, सुंदर से सुंदर फूल यहाँ लगाए जा रहे हैं, जो लाइटिंग है, जो दिए हैं किस तरह जलाए जा रहे हैं, और पूरा मंदिर में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पूरा मंदिर सजधज के तैयार होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है विशेष तौर पर उनसे अनुरोध किया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, और जो पूरा कार्यक्रम, हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि कई कार्यक्रम जो इस बार जन्माष्टमी के
तौर पर तिनसुकिया में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ब्रेकिंग फास्ट समाचार लगातार कोशिश करेगा कि जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा लगातार उसका जो दृश्य है आप तक पहुँचाए, लगातार उसकी जानकारी आप तक दे और किस तरह तिनसुकिया सज धज के तैयार होने वाला है इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम पूरा दृश्य आप तक पहुँचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आयोजन है हम उसका दृश्य लगातार आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, साथ ही जो आयोजक समिति है उनसे भी थोड़ी बातें करेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।